कि वह बेटी पर हुआ, तो धिक्कार है आप सब लोगों पर। वो हमला बेटी पर नहीं, देश के युवाओं पर हुआ। कल की एक प्रदेश की घटना है, कहते हुए जुबान लड़खड़ा रही है। आज की सरकारों ने अब तक सिर्फ दुख व्यक्त किया है, कहा कि हम गिरफ्तारी करेंगे। सबने वो देखी होगी, सबने देखी होगी, लेकिन आज की निकम्मी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, और वो सावरकर के लोग जिन्होंने अंग्रेजों से सदैव माफी मांगी, वो आज भी बेटियों की सुरक्षा करने में नाकामयाब है। ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ये हंसने हंसाने का विषय नहीं है, ये विषय है आपको जगाने का, ये विषय है आपके अंदर सोए हुआ जो सबका स्वाभिमान मरा बैठा है ना, ये बहुजनों के लिए भी है और उन मनुवादियों के लिए भी है जो घर में बैठ कर ठीकरा फोड़ते अपने इतिहास का, उनके लिए भी है। कि आप क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, घर में बैठ कर क्या कोई लड़ाई जीती जा सकती है? क्या बिना वैचारिक क्रांति के कोई लड़ाई जीती जा सकती है? भाई चंद्रशेखर आजाद को सब घर में बैठकर कहते हैं, आंदोलनों में मैंने सुना है, भाई चंद्रशेखर आजाद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी तमाम टीम ये कहती है। मैं तो जब आपके उस वक्तव्य को सुनता हूं तो विचलित हो जाता हूं। मैं सोचता हूं कि सिर्फ अगर चंद्रशेखर आजाद ही संघर्ष करेंगे, बाकी सब लोग साथ देंगे, तो क्या घर से साथ देंगे, साथ चलकर साथ देंगे? आप यात्री बड़ी ताकत में आए, मैं लिख कर देता हूं, अगर आप एक बार अपने दिमाग में फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा स्थापित करने की ठान ले, तो लिख कर ले लीजिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई वोट मिलने का ही नहीं, अगर आप ये ठान। लेकिन अफसोस, अफसोस मुर्दे मुर्दाबाद करने से कुछ होने वाला नहीं है, मैं तुमसे ये चीख सकता हूँ, कुछ होने वाला है ही नहीं। लेकिन अफसोस मेरा समाज तो सुनता है, आंदोलन में बैठता है और घर जाकर फिर शांत हो जाता है। अगर यहां से कुछ लेकर जाना चाहते हो, मैं कहता हूं अगर भाई चंद्रशेखर आजाद को जिंदा रखना चाहते हो, ये बार बार प्रकृति नहीं देगी, कभी फूले दिया प्रकृति ने, कभी बैरियार दिए, कभी बाबा साहब अम्बेडकर जी, कभी साहब का श्राम दिए, और अब चंद्रशेखर आजाद जी। अगर आप ये सोचते हैं कि ये आपका कार्यकर्ता भीम आर्मी का मजबूत सिपाही आपके लिए ऐसे ही लड़े, तो एक बार इसका कंधा मजबूत करके तो देखिए। सब कहते हैं उनको कि वो संस्थापक है भीम आर्मी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, लेकिन वो सदैव ये कहते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता बनकर के ही काम करूंगा। मैं जानता हूं गर्मी बहुत है, तमाम साथी मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि इस समय पे जहां संघर्ष बड़े पैमाने पर चल रहा है, जहां लड़ने वालों की संख्या कम और समतावादियों की संख्या ज्यादा है, ऐसे समय में अपना मन बनाइए, ऐसे समय पर मन बनाइए भगत सिंह वाली क्रांति का। भगत सिंह की कौन सी क्रांति? उस समय देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय बंदूकों की क्रांति चली थी। लेकिन आज संवैधानिक व्यवस्था कायम है, तो भगत सिंह का नाम लेकर, अशोक गुलाटी का नाम लेकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर संवैधानिक क्रांति का आगाज कीजिए और अपने वोट की ताकत को पहचानने का काम कीजिए। मैं लास्ट में यही कहूंगा कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन का एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना कि मैं या हमारी राष्ट्रीय प्रदेश कमेटी के लोग हैं प्रदेश के करा हुआ। और यह भी उम्मीद करूंगा कि जब आप यहां से जाएंगे, इस बार राजनीतिक और सामाजिक ताकत को इतना बढ़ाएंगे, इतना बढ़ाएंगे कि जब भाई चंद्रशेखर आजाद आपके क्षेत्र में जाएंगे तो एक वैचारिक क्रांति का आगाज दिखेगा। शुक्रिया आप सब लोगों ने मुझे सुना। मैं अंतिम वक्तव्यों में जो हमारे साथी, जैसे हिमाचल के साथी नहीं बोल पाए, बेंगलोर के, कर्नाटक के साथी को समय नहीं मिला, ऐसे तमाम हमारी राज्य कमेटी के साथियों को नहीं मिला, मैं आपसे यही कहूंगा कि विचारों की क्रांति में आपसी मतभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं हो सकते,
मैं जानता हूँ आप ऐसे भंग लगाते हैं और बोलते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो साथियों को समय नहीं मिला वो नाराज नहीं होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जो साथी यहाँ है लेकिन उनको समय नहीं मिल पाया है, वो अपने दिल से अपनी पूरी क्षमता से आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं एक जय भीम चाहूंगा, वो एनर्जी जो इस गर्मी ने हमारी खेच ली है, जो एनर्जी भाई चंद्रशेखर आजाद को नई ऊर्जा पैदा कर देगी, जो एनर्जी आप में नई ऊर्जा पैदा करेगी, पूरे जोर शोर के साथ मैं जय भीम चाहूंगा। वो जय भीम ऐसा हो, संसद सत्र चल रहा है वहां तक वो कम से कम पहुंच जाए। जय